Hello friends, welcome again to my YouTube channel Unique Mathematics by PGen. In our last videos we were learning about some functions: domain, range, continuity, differentiability, periodicity, etc. Now let's learn type of functions. In the previous videos we have learned different type of functions: logarithmic function, exponential function. Here we will learn whether the function is 1-1, many-1, onto, into, surjection, bijection. So we will learn now the types of functions. There are four types usually: 1-1 function. This is also called injection. Second one is many-1 function. Third function is onto function, also called surjection. And the fourth one is into function. And if any function is 1-1 and onto both, we can call it bijection. अब आप बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि इनको प्रूव करना बहुत इजी होता है. हम केवल बोर्ड एग्जाम के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इसकी थ्योरी लिखने में डरते हैं, इसलिए हमको लगता है ये टफ है. बट अगर मैं आईआईटी की बात करूं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से कर देखें कि क्या डोमेन है, क्या को डोमेन है, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शन 1-1 है, कौन सा फंक्शन many-1 है, कौन सा फंक्शन onto है, कौन सा फंक्शन into है. चलिए मैं आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं. मैं अगर बात करूं फर्स्ट 1-1 फंक्शन की, 1-1 फंक्शन, इफ each element of codomain has unique pre-image in domain, then that type of function is called 1-1 function or injection. क्या कहा मैंने आपको? हमारे फंक्शन में दो चीजें होती थी. एक फंक्शन होता था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट ए को हम कहते थे डोमेन, सेट बी को हम कहते थे कोडोमेन. मैंने ये कहा कि अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट का डोमेन में यूनिक प्री इमेज हो तो उसको 1-1 फंक्शन है. अब यूनिक प्री इमेज वर्ड यूज किया मैंने. अब इसको याद रखने का मेरा इजी तरीका वापस लाते हैं. मेरा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी. अगर मेरा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो ए को मैंने क्या कहा था? डोमेन. बी को मैंने क्या कहा है? कोडोमेन. इसको आप मेरे एग्जाम्पल से एड करते हैं. ए इज द सेट ऑफ बॉयज एंड बी इज द सेट ऑफ गर्ल्स. तो फंक्शन होने के लिए जरूरी क्या था? हर बॉय का एक ही, हर बॉय की एक ही गर्लफ्रेंड हो तो वो फंक्शन होगा. अब मैं बात कर रहा हूं 1-1 फंक्शन की. 1-1 फंक्शन का क्या मतलब है? 1-1 फंक्शन का ये मतलब है हर गर्ल का केवल एक ही बॉयफ्रेंड है. उल्टा फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन है उसकी उल्टी. फंक्शन होने की कंडीशन है हर बॉय की एक ही गर्लफ्रेंड हो. मींस सेट ए के हर एलिमेंट का बी में एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज हो. अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं. फंक्शन तो है, अब हम उसकी टाइप की बात कर रहे हैं. तो टाइप में वो 1-1 फंक्शन कब बनेगा? जब सेट बी के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट में यूनिक प्री इमेज होगा. मतलब जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियों का सेट है, उसका हर गर्ल का एक ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए तो वो फंक्शन बन जाएगा 1-1 फंक्शन. अदरवाइज एंड अदरवाइज इट विल बी many-1.
किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज हो गया तो वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन के बारे में हमने समझा क्या होता है। वी विल टेक मोर एग्जांपल्स, पर एक बार के लिए आप समझें, अगर कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज है तो वो वन वन नहीं है, वो मेनी वन फंक्शन। मतलब गर्ल्स के सेट में किसी भी गर्ल का एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड है तो वो वन वन नहीं और मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज या यू कह सकते हैं नेसेसरीली हैव या मस्ट हैव इमेज इन डोमेन, देन दैट फंक्शन विल बी दैट फंक्शन विल बी ऑन टू। एंड इफ एनी एलिमेंट इज देयर इन कोडोमेन इज देयर इन कोडोमेन विच डू नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन देन इट इज इन टू फंक्शन। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का डोमेन में कोई ना कोई इमेज हो तो उसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट बच जाए जिसका डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं हो तो उसको हम इन टू फंक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, शायद मैं पहले वन वन बोल गया। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट का डोमेन के एलिमेंट में कोई ना कोई इमेज पड़ा हो तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो उसे इन टू फंक्शन कहते हैं। अब आप इसको ऐसे समझें, मेरा डोमेन था बॉयज का सेट, कोडोमेन था गर्ल्स का सेट। अगर सारे गर्ल्स के कोई ना कोई बॉयफ्रेंड हैं तो वो बन गया ऑन टू फंक्शन, और अगर कोई भी लड़की ऐसी है जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो बन गया इन टू फंक्शन। हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। एक फंक्शन मैंने ए से बी में डिफाइन किया है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। अगर हम यहां देखें कि किस तरह का फंक्शन, देखिए हमको अभी ये तो उसने पूछा नहीं कि ये फंक्शन है या नहीं है, पर चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन होने के लिए सेट ए के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए था। ढूंढते हैं, 1 का इमेज ए अकेला है, 2 का इमेज बी अकेला है, 3 का इमेज सी अकेला है, 4 का इमेज बी सी अकेला है, चलेगा? यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देखें तो कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए ये फंक्शन तो है। अब हम बात करेंगे टाइप की, तो टाइप मैंने आपको बताया था डिपेंड किस पे करता है, कोडोमेन पे। देखिए कोडोमेन के किसी एलिमेंट की दो प्री इमेज है क्या, क्या किसी गर्ल के दो बॉयफ्रेंड है क्या? ए का प्री इमेज 1 है, एक ही बॉयफ्रेंड है। बी का प्री इमेज 2 है, एक ही बॉयफ्रेंड है। सी का प्री इमेज 3 और 4, मतलब सी के दो बॉयफ्रेंड है, ये मेनी वन फंक्शन है। ये ऑन टू है या इन टू है हमको ये देखना पड़ेगा। क्या कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है? यस, ऐसा एक एलिमेंट है डी जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। अपने समझने की बात करें तो डी ऐसी गर्ल है जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए ये इन टू फंक्शन है। ऑर्डर पेयर में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं अगर ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया तो मेनी वन होगा। इन ऑर्डर पेयर अगर सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो क्या होगा? मेनी वन होगा।
और अगर ordered pair में codomain का कोई भी element आने से रह गया तो वो into function होगा। तो ये एक example था जिससे हम समझ पाए कि ये one one है या many one है। हम और example लेते हैं अभी आगे, इसको आगे और continue करेंगे हम। और लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि ये हमारे को क्लियर हो कि ये वन वन मेनी वन ऑन टू एन टू किस तरह से होता है। फिर हम इसको सीखेंगे कि हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। फॉर आईआईटी पर्पस इट इज ओके। सो इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, इफ एनी ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज रिपीटेड, एनी ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज रिपीटेड, is repeated, then it is many one function, then it is many one function, and in ordered pairs, in ordered pairs, if any element is left, if any element is left from codomain, then it will be into function. It will be into function. यहाँ example में आप देख सकते हैं, एक तो मेरा C और C repeat हो गया, इसलिए many one बन गया, और एक यहाँ पे D element था, जो रह गया ordered pair में आने से, इसलिए ये function into बना। Another example हम ले, अनदर फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, कुछ इस तरह से, तो सबसे पहली बात, यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। फिर हम बात करें तो ये वन वन फंक्शन है। क्यों है वन वन फंक्शन? क्योंकि ए का अपनी इमेज वन है, बी का टू है, सी का थ्री है, डी का फोर है, सबकी यूनिक प्री इमेज है, मतलब हर गर्ल का यूनिक बॉयफ्रेंड है। ये ऑन टू फंक्शन है। ये ऑन टू क्यों है? कोडोमेन बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसका कोई प्री इमेज ना हो, तो ये ऑन टू है। और अगर फंक्शन वन वन ऑन टू होता है तो इसको हम कहते हैं ये बाइसेक्शन है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे तो हम लिखेंगे वन ए टू बी थ्री सी फोर डी, सबकी यूनिक इमेजेस हैं, कोई एलिमेंट ना तो फर्स्ट में रिपीट हो रहा है, इसलिए फंक्शन है। अब देखिए, मैंने बताया था पहले भी, अगर फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता है। यहाँ कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए फंक्शन है, कोई सेकेंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए वन वन है, और ऑर्डर्ड पेयर में कोडोमेन के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन। अब इनको हम रियल रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए देखना चाहें तो भी हम इनको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, टाइप ऑफ फंक्शन फॉर रियल वैल्यूड फंक्शंस। अनदर एग्जांपल लेते हैं, देखिए एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस एग्जांपल को करने के साथ ही मैं आपको इसका ग्राफिकल मेथड भी सिखा दूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई वन वन और मेनी वन ऑन टू और इनटू बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए आप, सबसे पहले आप इस फंक्शन में डोमेन को पकड़िए, डोमेन इज व्हाट? आर। तो आपको इस फंक्शन का ग्राफ पूरे रियल नंबर में प्लॉट करना है। सारे रियल नंबर्स के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ये हम सब जानते हैं, राइट? अब सोचें कैसे, हम इसमें सारे रियल नंबर पुट कर रहे हैं और हमको सारे रियल नंबर मिल रहे हैं क्या? तो बाय ग्राफ आप देखिए, बाय ग्राफ If we draw a line parallel to x-axis, a line parallel to x-axis, and it cuts the curve more than once, then it is many one function, many one function. Otherwise, and if it cuts once only,
cuts once only, then it is 1-1 function. Then it is 1-1 function. Similarly, if codomain, if given codomain is equal to range from graph, then it is onto function. Then it is onto function. And if codomain is not equal to range, then it is into function. ये graphical method है ये पता लगाने का कि function 1-1 है, many one है, onto है या into है. यहां देखिए आप, अगर मैं एक line draw करता हूं तो दो बार cut कर रही है, ये many one है. आप normally सोचिए, अगर आप x को 1 डालेंगे तो भी answer 1 आएगा, minus 1 डालेंगे तो भी answer 1 आएगा, मतलब 1 की दो pre-image हो गई, 1 and minus 1. आप 2 डालेंगे 4 आएगा, minus 2 डालेंगे 4 आएगा, मतलब 4 की फिर से दो pre-image हो गई, इसलिए ये many one function है. अब इस graph का range अगर हम लिखना चाहें तो आपको दिख रहा है range है 0 to infinity. इसके values हमको 0 से infinity मिल रहे हैं y axis पे, जबकि codomain क्या given है, all real number. क्या range और codomain equal है, क्या range उसका subset है या इसके equal है, नहीं है, इसलिए ये into function है. अगर ये दोनों equal होते तो ये क्या होता, onto function होता. तो आप देखिए for a real value function किस तरह से हमने many one, one one, onto into को identify किया. Let's take another example. अब यही example 4 देखिए आप, मैं graph भी change कर रहा हूँ R plus union 0 to R plus union 0. मैं graph केवल positive direction में बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, तो मेरा graph ऐसे ही बनेगा. अब अगर मैं बात करूं तो ये 1-1 function है, क्योंकि मैं डाली इसमें positive values ही रहा हूं. मैं अगर graph की range की बात करूं तो range मुझे क्या मिल रही है, 0 to infinity. Here range is equals to codomain है, range is equals to codomain है, इसका मतलब ये onto function है. This implies ये 1-1 onto function है, जिसको हम bijection कह सकते हैं, bijection. तो जो इसमें समझने वाली बात निकल के बाहर आई, वो क्या बात निकल के बाहर आई, 1-1, many one, onto, into होना, सब कुछ codomain पे depend करता है. किस तरह से codomain की, अगर ज़्यादा pre-images है तो many one हो गया, codomain में कोई element बच गया तो वो into function बन गया, कोई नहीं बचा तो वो onto function बन गया. इसके ऊपर और examples हम लेंगे हमारे next videos में, इसको आप अच्छी तरह से देखिए. And if you feel any problem in it, please comment me in the comment box. Thank you, take care. Have a great day.